हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग समझेंगे कि अब तो 5G भी आ गया है और 5G आने के बाद चूंकि ये कंपनी अलग अलग जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है, तो 5G जब आ गया है उसके बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी बनते हुए नहीं दिखा है। पहले माना जा रहा था कि जब 5G आएगा तो उसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा ऑर्डर और काम इस कंपनी को मिलेगा, लेकिन फिर भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को अभी तक नहीं मिल रही है। तो चलिए समझते हैं कि अभी इस कंपनी में यदि हमारा इन्वेस्टमेंट है या कोई नया भी व्यक्ति यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है पेनी स्टॉक की दुनिया में काफ़ी चर्चित नाम है, तो उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ओवरऑल इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह हम शुरू से करेंगे। देखिए यदि हम लोग इस कंपनी के काम की बात करें तो आपको पता है कि जैसे मैंने शुरू में बताया जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है ये देखिए सर्विस प्रोवाइड कराती है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए। किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है? टावर इंस्टॉलेशन का काम करती है। देखिए जैसे आपने एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनी का नाम सुना है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये खुद भले मोबाइल की सर्विसेज मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं लेकिन टावर इंस्टॉलेशन का काम खुद से नहीं करती। तो इनके लिए एक अलग अलग कंपनियां हैं जो उनकी टावर को बैठाने का काम करती है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है निकल कर सामने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। काम तो हम समझ गए। देखिए काम के व्यापार पे क्या फ्यूचर में सिस्टम में तेजी बने रहने की उम्मीद है? बिल्कुल, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा ही। लोग आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, हर लोग मोबाइल यूज़ करेंगे, नेटवर्क का यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसके सेक्टर में इसके काम में तेजी आएगी। तो काम में चलिए हम लोग फंडामेंटल को डिस्कशन करते हैं। तो फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 1358 करोड़ रुपये के आसपास, यानी कि कंपनी की स्मॉल कैप श्रेणी की लिस्ट में आती है। और इसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो अभी 1.06 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, कंपनी को वैल्यूएशन मांगना है। इस हिसाब से वैल्यूएशन देखने के लिए स्टॉक का पी देखते हैं, जो कि यहाँ पर नदारद है क्योंकि पीनी स्टॉक का पी सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्किनर पर नहीं है। हालांकि कंपनी का जो बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू जो आप देखेंगे तो ये माइनस में है, जो कि बुक वैल्यू माइनस में नहीं होना चाहिए था, ये एक निगेटिव बात है। तो पेनी स्टॉक में हर चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। पेनी स्टॉक में देखिए फंडामेंटल उतना मायने नहीं रखता जितना कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और क्वार्टर के रिजल्ट मायने रखते हैं। तो अब चलिए हम टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं कि अभी जिसका इन्वेस्टमेंट है और जो नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें क्या रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखेंगे एक साल के चार्ट पर हम आ गए हैं। एक साल के चार्ट पर देखिए क्या हुआ, इस साल के शुरू में प्राइस इस लेवल को जो कि 1.02 रुपये का लेवल है इसके नीचे ब्रेक करके आ गया फरवरी में देखेंगे तो, और नीचे आया, खूब नीचे आया, तकरीबन 80 पैसा के लेवल तक आ गया। पेनी स्टॉक में 1.20 रुपये से 80 रुपये तक आना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक आया, यहाँ तक भी नहीं रुका, अप्रैल में इसके भी नीचे आ गया, इन्वेस्टर्स इसे काफ़ी घबराए हुए थे। हालांकि मैं आपको बताता हूँ जब कि स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में चला जाता है ना तो ये कहीं ना कहीं प्रकार से फायदेमंद भी होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज में जितना लंबा समय बिताएगा उतना ही लंबा इसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए जब इसमें ब्रेकआउट हुआ सितंबर में तो जहाँ से इसमें सपोर्ट के नीचे आया था तकरीबन वहीं तक के लिए ये अपना जो है टारगेट बनाया। अब देखिए अभी क्या हुआ कि जब जब भी ऊपर जाता है शेयर प्राइस वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग होने से प्राइस थोड़ा नीचे आया और नीचे आकर फिर अपने प्रीवियस सपोर्ट जो कि ये सपोर्ट है, देखिए यहाँ पर एकदम ठीक उसी प्राइस पर हमने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर प्राइस अब ऊपर उठाया और यहाँ पर कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बनता है चार्ट पर एक लंबा तेजी एक लंबा ब्रेकआउट देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है उनकी तो अभी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तो ये जो डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ है इसमें एक लंबा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है इस डब्ल्यू के फॉर्मेशन की बदौलत। तो अभी यदि क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में ये पता लग जाएगा कि कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो समय समय पर मजबूत हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि सेल्स कई क्वार्टर में ऐसे देखा तो 350 करोड़ 350 करोड़ इसी के आसपास बना हुआ है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आ रहे तो इसको ना ख़राब कहेंगे ना बहुत अच्छा कहेंगे। हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो आपको सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में डिक्लाइन होते हुए दिखा, ये चिंता की बात है। हालांकि फिर अगले क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो उसमें ये बढ़ते हुए भी आपको दिख सकता है, ये उसमें भी चिंता की बात है। और जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में तो कंपनी थी नहीं शुरू से ही, अभी भी लॉस में है। लॉसेस पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले देखेंगे तो जरूर कम हुए हैं, क्योंकि पहले 300-400 करोड़ के आसपास लॉस था, अभी कम होकर सिर्फ 100-150 करोड़ के आसपास रह गए, जो कि आने वाले समय में यह भी कम हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट है तो जैसे मैंने चार्ट में बताया कि डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक आप बने रहिए, इसमें थोड़ा और समय दीजिए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेज रहेंगे इस स्टॉक में। उम्मीद करता हूँ जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बात मैंने आपको बताया आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जो बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।